छोटा स्कूल एंड नर्सरी किड्स, हाउ आर यू। आपकी बुक का नाम है वर्ल्ड अराउंड मी। और ये देखिए, ये दिस इज़ योर क्लासरूम, माय क्लासरूम, एंड पेज नंबर 27 आप लोग देख रहे हैं, है ना। सो ये आपका, देखो इस पिक्चर में माय क्लासरूम ये ऊपर लिखा हुआ है, और कितनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं इस पिक्चर के अंदर। पेंट ब्रश, बैग, क्रेयॉन्स, ओके, एंड दीज लिटिल किड्स all are enjoying, your teacher, ma'am is here, है ना। तो ये सारी pictures जो हैं ये दी गई हैं इसमें, आप इसको देख रहे हैं। So this is a little request to dear parents कि इस picture को देख कर हम ये जो हैं अपने babies के साथ आप लोग ये conversation करेंगे, जो जिसकी instructions मैं आपको अभी दूंगी। आपने अभी ये पिक्चर देखी जो मैंने दिखाई थी आपको वर्ल्ड अराउंड मी में, पेज नंबर 27, और ये क्लासरूम की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं तो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपको भी अपने दिन ज़रूर याद आएंगे कि आप लोग अपनी क्लास में क्या क्या करते थे, और किस तरीके से आप लोग अपनी क्लास में अपनी मैम को और अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से एंजॉय करते थे। ऑफकोर्स वो दिन आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, वो ऑफकोर्स आपको हमेशा से एक वो स्वीट मेमोरीज़ के रूप में हमेशा रहता है। क्लासरूम का एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, उसकी हर चीज़ से बेबीज़ प्यार करते हैं। तो आज हम क्लासरूम के बारे में बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट क्लासरूम टुडे। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर फॉर यू, आर फॉर द नर्सरी पेरेंट्स, माय रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स। द चाइल्ड विल कंप्लीट द शीट फ्रॉम द बुक विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। टेल द चाइल्ड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ द क्लासरूम, डिस्कस विद द चाइल्ड अबाउट क्लासरूम। जैसे कि ये पिक्चर दिखाई है वर्ल्ड अराउंड मी में, पेज नंबर 27, द क्लास रूम उसमें नाम है, तो आप प्लीज़ उसको पहले अपने बेबीज़ को दिखाएंगे, और उसमें उसके बाद में उस क्लास रूम के बारे में एक हल्का फुल्का सा डिस्कशन करना उनसे स्टार्ट करेंगे अपने बेबीज़ के साथ पे, तो उनको और भी मज़ा आएगा, उनको बहुत एक्साइटमेंट होगी कि यस हमारे क्लास रूम में ये भी होता है, हमारे क्लास रूम में ये भी होता है। वो अपने आप से आपको आगे आगे बताएंगे कि ये भी हमारे क्लास रूम में होता है, हमारी मैम ऐसी हैं। तो इस तरीके से एक मज़ेदार उसमें आप लोग अपनी कॉन्वर्सेशन बेबीज़ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपने ये जो शीट है विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, ये कंप्लीट करेंगे बेबीज़ आपकी हेल्प के साथ में। ऑफकोर्स आप हमेशा अपने बेबीज़ के साथ में रहते हैं, तो इस शीट को कंप्लीट करवाने के लिए भी आप अपने बेबीज़ के साथ में रहेंगे उन्हें गाइड करने के लिए। सो दे विल कंप्लीट दिस शीट। क्लासरूम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्कूल। अब कॉन्वर्सेशन डियर पेरेंट्स आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है, आप बेबीज़ को बताएंगे कि क्लासरूम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्कूल। स्कूल के अंदर क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ कोर्स। अच्छा बेबीज़, नर्सरी बेबीज़, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जब आप स्कूल में, सपोजिंग यू आर गोइंग टू अ स्कूल, स्कूल में आप अपने स्कूल में जा रहे हो, तो आप अपने स्कूल के अंदर जाके सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, सबसे पहले आपको कहाँ लगता है कि अपना बैग बॉटल कहाँ पर रखनी है? यस, इन योर क्लासरूम। तो आपको सबसे पहले लगता है कि हम अपने क्लासरूम की तरफ से एकदम से रश करें, रन करें, दिस इज़ माई क्लास, दिस इज़ माई क्लासरूम, अच्छा लगता है ना। हाँ, तो जब शिल्पा मैम स्मॉल बेबी थी तो उनको अपने क्लासरूम में जाना बहुत अच्छा लगता था। इट वाज अ बिग 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 क्लासरूम, मेरा जो क्लास था वो बहुत बिग था। तो इन दिस वे पेरेंट्स विल स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद द बेबीज। सेकंड, वी लर्न न्यू थिंग्स इन द क्लासरूम। पेरेंट्स बताएंगे अपने बेबीज़ को, अब जो हमारे बेबीज़ भी हैं जो है ये, हम हमेशा एक नई चीज़ क्लासरूम में सीखते हैं, हर रोज़ एक नई बात सीखते हैं क्लासरूम में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑफ कोर्स हम सीखते हैं, कभी कुछ किसी तरीके से, कभी ना प्ले वे मेथड, कभी इन ये पढ़ाई के मैनर में मैम से या वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, हमेशा अपने क्लासरूम से हम लोग कुछ नई नई बात सीखते हैं, जो बहुत 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 एक्साइटिंग तो होती ही हैं, उसके साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें हमारी इम्प्रूव भी करती हैं। तो ये बात पेरेंट्स अपने बेबीज़ को बताएंगे। वी सिट इन द क्लास रूम, ऑफकोर्स पेरेंट्स बताएंगे कि हम कहाँ पर बैठते हैं, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम लोग जो हैं कहाँ पर बैठते हैं, अपने क्लास रूम के अंदर बैठते हैं। ऑफकोर्स जब वो स्कूल में होंगे तो वो कहाँ पर बैठना पसंद करेंगे, अपने क्लास रूम में ही अपना बैठना उनको पसंद होगा। वी शुड कीप नीट एंड क्लीन आर क्लास रूम सराउंडिंग्स।
जिस तरीके से हम अपने घर को साफ रखते हैं और अपने घर की या अपने सराउंडिंग्स की हमेशा केयर करते हैं कि नहीं ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यहाँ पर कूड़ा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, उसी तरीके से हमें अपने क्लासरूम को भी प्यार करना चाहिए और सारी जो चीज़ें हैं वो कूड़ा कचरा वो जो है वो डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए. वी शुड कीप क्लीन आर क्लासरूम. ओके, लाइक दिस, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर मेक्स अ प्लेस एंड टाइडी पिक देम अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन बिट बाय बिट. क्यों? क्योंकि हमें अपने क्लासरूम को अच्छा नीट एंड क्लीन साफ रखना है, इसलिए. और इस वजह से भी क्योंकि हमें अपनी क्लास से प्यार है, इसी वजह से हमें अपनी सराउंडिंग्स को साफ और सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. तो इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए, वी शुड टेक केयर ऑफ क्लासरूम्स बिलोंगिंग्स, लेट्स डू द शीट. अब आप उनसे कहेंगे कि क्लासरूम जो में जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी भी टेक केयर, उनकी भी केयर हमें करनी चाहिए. लाइक आपने कोई भी चीज़ क्लासरूम में यूज़ की, कुछ भी आपने यूज़ किया, बेबीज़, अगर आपकी क्लास में क्रेयॉन्स हैं और आपने उनको जो है यूज़ किया क्रेयॉन्स को, तो आप क्रेयॉन्स को यूज़ करके उन्हीं की जगह पर वापस रखेंगे. क्रेयॉन्स को यूज़ करके उन्हीं की जगह पर आप लोग वापस रखेंगे, क्योंकि अगर आप इधर उधर गिरा देंगे क्रेयॉन्स को, या टॉयज़ अगर आपकी क्लास में हैं सपोजिंग, और टॉयज से खेलने के बाद में आपने इधर उधर उनको बिखरा दिया, तो वो नेक्स्ट डे आपको अपनी जगह पर नहीं मिलेंगे, प्लेस पर नहीं मिलेंगे. उनको जो है वो कुछ प्रॉब्लम, उसमें टॉयज़ में कुछ हो भी सकता है, कुछ वो टूट भी सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि उनकी केयर नहीं अगर की जाएगी तो उनको वापस अपनी जगह पर रखिए और केयर भी करनी है. तो पेरेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली बात समझाते हुए अब बोलेंगे कि वी शुड टेक केयर ऑफ क्लासरूम्स बिलोंगिंग्स, लेट्स डू द शीट. अब हम इस शीट को करेंगे. नाउ आस्क फॉर द चाइल्ड इज ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू क्लासरूम. अब जो है ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन शुरू होगा बिटवीन पेरेंट्स एंड बिटवीन बेबीज. फर्स्ट क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. आस्क फॉर द चाइल्ड इज ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू क्लासरूम. क्या ब्लैक बोर्ड जो है क्लासरूम से रिलेट करता है? कहाँ रहता है ब्लैक बोर्ड जो है, वो क्लासरूम में रहता है या फिर किचन में रहता है? तो वो येस और नो में आप उनसे पूछेंगे येस और नो, तो दे विल आंसर बैक यू येस इन दिस वे. सेकंड, बैग इज रिलेटेड टू क्लासरूम बिलोंगिंग्स. येस, इस पिक्चर में बैग है, तो येस और नो, ऑफ कोर्स आप उनसे पूछेंगे येस और नो. बैग इज रिलेटेड टू क्लासरूम बिलोंगिंग्स, प्लीज टेल मी बैग इज रिलेटेड. सो दे विल आंसर बैक यू येस, बैग इज रिलेटेड टू क्लासरूम, लाइक दिस. पेंट ब्रश इज रिलेटेड टू क्लासरूम, येस और नो. दे विल आंसर बैक येस, ऑफ कोर्स पेंट ब्रश इज रिलेटेड टू आवर क्लासरूम. मिल्क कप इज रिलेटेड टू क्लासरूम, येस और नो. सो पिक्चर में जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू द पिक्चर दे विल आंसर बैक यू येस और नो में, आप मतलब पेरेंट्स आप पूछेंगे येस और नो. मिल्क लाइक दिस, मिल्क कप इज रिलेटेड टू क्लासरूम, येस और नो. सो दे विल आंसर बैक. इन द सेम वे क्रेयॉन्स इज रिलेटेड टू क्लासरूम, सो ऑफकोर्स दे विल आंसर बैक यू येस, क्रेयॉन्स इज रिलेटेड टू आर क्लासरूम. सो इन द लास्ट, प्रेज द चाइल्ड फॉर हिज और हर अटेम्प्ट वेदर इट वॉज रॉन्ग और राइट. ऑफकोर्स हर, देखिए एक बात बताइए मुझे कि जब भी आप लोग, मतलब मैं अगर पेरेंट्स आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको आज तक भी अपनी तारीफ अच्छी लगती है? हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को अपनी तारीफ ज़रूर अच्छी लगती है, और अगर उसको लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है एंड दे डिज़र्व, तो ऑफकोर्स, एंड दीज आर लिटिल एंड स्वीट बेबीज, सो दे डिज़र्व फॉर देयर अटेम्प्ट अप्रेज. अच्छे मोटिवेशनल वर्ड्स उनको चाहिए होते हैं, दे डिज़र्व एक्चुअली. तो प्रेज इन द लास्ट द चाइल्ड फॉर हिज और हर, वेदर इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, फॉर हिज और हर अटेम्प्ट, इट्स वेदर इट्स रॉन्ग और राइट, उनको प्रेज करना है आपको लास्ट में कि येस यू हैव डन वेरी वेरी वेल, आपने मुझे आंसर भी बहुत अच्छी की है, यू आंसर्ड वेरी वेल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस वे, एंड वी विल डू इट, वी विल कीप इट,
इस तरीके से आप उनको प्रेस करेंगे और उनका मोटिवेशन बढ़ाएंगे. सो लेट्स डू इट्स एन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड बेबीज, जो आपके बेबीज़ भी हैं और हमारे बेबीज़ भी हैं. सो लेट्स डू इट एंड लेट्स एन्जॉय दिस एक्टिविटी.